श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। अभी हम लोग भगवद गीता की त्रयोदश अध्याय पर है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की ये कहने का प्रतिज्ञा करते हैं क्षेत्र और क्षेत्र के बारे में। तत्क्षेत्र यत्र यात्री यद विकारी यथस्य स च जो यद प्रभावस्य तत्समासेन मेष्यम्। वो क्षेत्र कैसा है, किस प्रकार की है, वो किसका विकार है और उससे क्या क्या विकार उत्पन्न होता है, ये होगा क्षेत्र संबंधित। और वो क्षेत्र जो पुरुष जो ईश्वर की परा प्रकृति उसका प्रभाव क्या है, ये मैं तुमको कहूँगा। इतना कथन करने के बाद फिर पुरुष और प्रकृति कैसे संसार उत्पत्ति के लिए हेतु होता है उसको भी कथन उसके माध्यम से जल विकारी जतस्तक इति यहाँ पे दो श्लोक के द्वारा विस्तार से कहा। प्रकृति बोले 21 देखिए वहाँ तक आया हुआ है कि पुरुष और प्रकृति प्रकृतिस्थे भूमते प्रकृति ज्ञान गुना कारणम संघर्ष सदस्य योनि जन्म। पुरुष जो है प्रकृति के साथ मतलब संबंध तो नहीं होता परंतु अज्ञान से संबंध करके प्रकृति संबंधित गुणों का भोग के लिए मतलब भोग की इच्छा से सद असद योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। सच जो जब प्रभाव तो पुरुष ये जो पुरुष कैसे प्रभाव वाला है इत्यादि दाभ्यम वो भी दो स्वरूप के द्वारा कहेंगे। तो यहाँ पे जो है वो पुरुष के पारमार्थिक स्वरूप क्या है उसको कथन करने के लिए 22वां श्लोक आ रहा है ना। 22वां श्लोक बोलते हैं यहाँ पे देखें इसलिए मंत्र का 21 तक पूरा पढ़ लिए थे हम लोगों ने और 22 से शुरू होगा। इसलिए बोलते हैं तदेव प्रकृति मिथ्या तादात्म्यात् पुरुषस्य संसार न स्वरूपेण इति उक्त। ठीक है ना, उसी प्रकृति के साथ त्रिगुणात्मिक प्रकृति के साथ अज्ञान से मतलब तादात्म्यता मतलब एकत्व के अनुभव करने के फलस्वरूप पुरुष को संसार में भोग होता है ना। अब
अज्ञान से तादात्म्य संसार न स्वरूप न परंतु पुरुष में स्वरूप से संसार नहीं है क्योंकि पुरुष असंगो ही अयम पुरुष है। इसलिए तद एवं वो जो पहले कथन करके इस प्रकार से प्रकृति मिथ्या तादात्म्य प्रकृति के साथ गलती से एक मिथ्या इसको तादात्म्य एकत्व अनुभव करने के फलस्वरूप पुरुष का पुरुषस्य संसार पुरुष में संसार दिखाई संसार मतलब जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना न स्वरूप है न पुरुष में वास्तविक जन्म मृत्यु नहीं है इति उक्तम। ये कहा यदि पुरुष में वास्तविक नहीं है तो पुरुष की पारमार्थिक स्वरूप क्या है ये कथन कर कीदृशं पुनः तस्य स्वरूपं ये पुरुष की यथार्थ स्वरूप क्या है जत्र न संभवति संसार जिस स्वरूप में संसार होना संभव ही नहीं है यदि आकांक्षाया इस प्रकार की आकांक्षा अथवा जिज्ञासा उत्पन्न होने पर तस्य पुरुषस्य स्वरूपम उस पुरुष का स्वरूप क्या है साक्षात निर्देशन आह साक्षात निर्देश करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्या कहते हैं उपदृष्ट श्लोक में पहले के साथ संबंध आया पुरुष में संसार अज्ञान के साथ प्रकृति के साथ अज्ञान के कारण प्रकृति के साथ तादात्म्य करके पुरुष में संसार प्रतीति होती है वास्तविक पुरुष में संसार नहीं है संसार के साथ संबंध भी नहीं है यदि ऐसा नहीं है तो पुरुष के पारमार्थिक स्वरूप क्या है पारमार्थिक स्वरूप क्या है उसको कथन करने के लिए साक्षात निर्देशन आह उपद्रष्टा इति अच्छा वहां से उपद्रष्टानुमन्ता च भक्ता भर्ता भोक्ता महेश्वर भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा परमात्मेति चाप्युक्त परमात्मेति चाप्युक्त देहस्मिन् पुरुषः परः देहस्मिन् पुरुषः परः उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्त देहस्मिन् पुरुषः परः अस्मिन् देहे पुर पुरुषः शरीर में पुरुषी पर परमात्म देखो सब प्रथम एक वचन है और पुरुष किसी वस्तु को निर्देश करने के लिए ना प्रथम अभिव्यक्ति में निर्देश करते हैं तो अस्मिन् शरीरे पुरुष कैसा है वो पर मतलब सबसे श्रेष्ठ करता है इतना होते हुए भी उपद्रष्टा मतलब सबसे नजदीक से देखने वाला मतलब साक्षी को बोल रहे हैं चलो अभिप्राय है पुरुष शरीर में साक्षी रूप में अनुमंता जो भी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि करना चाहते हैं ना निरप से वो अनुमति प्रदान करते किसको बाधा उत्पन्न नहीं करते उपदृष्टा देखते हैं मतलब किसी के किसी कर्म में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करते पुरुष अच्छा फिर भर्ता भोक्ता है ना भरण पोषण करने वाले भी है और भोक्तृत्व भी वही देखते हैं सुखी दुखी संबंध अपने को मानते हैं फिर महेश्वर और सबको चराने वाला भी वही है परमात्मा भी वही है महेश्वर परमात्मा चीति अभी उक्त पुरुष को इस संबंध को भर्ता भोक्ता कह करके वही पुरुष प्रमाता के रूप में मतलब शरीर के साथ तादात्म्य करके भर्ता भोक्ता है और वही पुरुष उससे अलग भी है कैसे है परमात्मा महेश्वर यही भी है एक ही तत्व आप उस शरीर मतलब इंद्रिय मन बुद्धि के साथ तादात्म्य करके वो प्रमाता होते हैं वास्तविक वो साक्षी भी साक्ष्य के सपेक्ष में बोलते हैं साक्षित्व भी उसमें परमार्थिक नहीं है साक्ष्य वस्तु के सापेक्ष में साक्षी शब्द को प्रयोग किया जाता है और वो महान भी है वो ईश्वर भी है अंतर्यामी अंदर बैठ करके सबको नियमन भी करते हैं और परमात्मा परमात्मा का सबसे श्रेष्ठ तत्व जो है शरीर में वही उसी को ही कहा जाता है इस नाम से कहा जाता है अभी जब उक्त उसको इस नाम से भी कहा जाता है अर्थात पुरुष प्रकृति के परिणाम स्वरूप इस देह में और रहते हुए भी प्रकृति से भिन्न है और इस कारण से है इसको उपदृष्टा भी है अनुमंता भी है भक्ता भी है भोक्ता भी है महेश्वर और परमात्मा इस नाम से उसी पुरुष को ही कहा जाता है इस नाम से कहा जाता है। अब यहाँ पे इस एक शब्द का अर्थ करेंगे अस्मिन् देहे अस्मिन् मतलब इस शरीर में रहते हुए भी वो शुद्ध चेतन तत्व इस शरीर में रहते हुए भी अस्मिन् देहे अस्मिन् प्रकृति परिणामे अस्मिन् मतलब अस्मिन् देहे ये देह किसका परिणाम है पंचभूत का परिणाम है पंचभूत प्रकृति का परिणाम है इसलिए प्रकृति परिणामे देहे
जीव रूपेण वर्तमानोपि, जीव रूप में रहते हुए, मतलब जिस समय है आप हम अपने को जीव रूप में समझते हैं उस समय मैं महेश्वर भी हूँ, बंधु नहीं समझ पाते, है ना, परमात्मा भी हूँ ये नहीं समझ पाते। इसलिए अस्मिन् प्रकृति परिणामे देहे जीव रूपेण वर्तमानोपि पुरुष, वो जो पुरुष है परः परमतः प्रकृति गुण असंश्रेष्ठ, है ना, परमतः उससे पीछे प्रकृति त्रिगुणात्मक प्रकृति का जो गुण है और उनका कार्य है उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है। प्रकृति गुण असंश्रेष्ठ मतलब क्या हो गया, परमार्थ तो असंसारी, परमार्थिक दृष्टि से पुरुष, पुरुष में जन्म मृत्यु संसार नहीं है, स्वेन रूपेण अपने स्वरूप से पुरुष में जन्म मृत्यु नहीं है, शरीर के जन्म मृत्यु के साथ पुरुष के ऊपर जन्म मृत्यु के आरोप किया जाता है, क्यों नहीं है, जत क्योंकि अब आय उपद्रष्टा, उपद्रष्टा शब्द को अर्थ करते हैं यज्ञों में चार प्रकार की वृत्तिक होते हैं, कुछ ऋग्वेद संबंधित, कुछ यजुर्वेद संबंधित, कुछ आपका सामवेद संबंधित और कुछ अथर्ववेद संबंधित, अलग अलग होता अध्वर्य उद्गाता ब्रह्मा इस चार नाम से कहा जाता है। ये ब्रह्मा जो होते हैं वो होता उद्गाता अथवा अध्वर्य, ये अलग अलग वेदों के जो पुरोहित हैं उनकी कर्म को वो देखते रहते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, इसको बोलते हैं उपद्रष्टा, मतलब समीप में बैठ करके उस समय कुछ नहीं बोलते हैं, जहाँ पे क्या कौन गलती क्या देख करके बाद में उसकी परिहार को, यदि उस समय वो बोल देता है ना तो जग खंडित हो जाते हैं, ये ऐसा छात्र उपनिषद में आया हुआ है। तो यहाँ पे बोलते हैं उपद्रष्टा यथा ऋतिक यजमानिषु, ऋतिक मतलब पुरोहित, अब यजमान जब व्यापार का यजमान है, यज्ञ कर्म व्यापृतेश, वो लोग जब यज्ञ कर्म में व्यापार रहते हैं मतलब व्यापृत रहते हैं, तत्समीपस्थ उसी के सामने बैठा हुआ एक अन्य व्यक्ति है जिसको ब्रह्मा शरण बोलते हैं, स्वयं अव्यापृत हो, कोई व्यापार नहीं करता, वृत्ति 16 प्रकार की वृत्ति होते हैं, दो यजमान पत्नी होते हैं, 18 व्यक्ति मिल करके यजमान 18 व्यक्ति मिलकर वहां के व्यापार करते हैं, परंतु एक व्यक्ति वहां पर चुपचाप बैठा रहता है ब्रह्मा, है ना, तो बोलते हैं स्वयं अव्यापृत यज्ञ विद्या कुशलत्वा, है ना, वो यज्ञ हर एक यज्ञ में वृत्ति का क्या काम है, मतलब होता अध्वर्य उद्गाता का किसका क्या काम है वो अच्छी तरह से जानता है। इसीलिए यज्ञ विद्या कुशलत्व वृत्ति यजमान व्यापार गुण दोषानाम इक्षिता, वृत्तियों की व्यापार और यजमानों की व्यापार में क्या कमी रह जाए अथवा क्या ठीक किया इसको देखने वाला है, दोषानाम इक्षिता मतलब देखने वाला, इक्षित प्रतिपति का प्रतिभा वजन है, जैसे एक यज्ञ कर्म में देखा जाता है ठीक उसी प्रकार से तद्वत, ठीक है, वहां पर यज्ञ कर्म में चार चार पुरोहित और 18, तो यहाँ पे इनमें से एक कोटि काम नहीं करते हैं, और इस यहाँ पे जो आपका शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सब मिलकर एक स्थूल शरीर और इंद्रियों के व्यापार, इन सब को व्यापार करने में मदद करते, किंतु बोलता है कुछ नहीं, चुपचाप बैठा रहता है, इसलिए बोलते हैं तद्वत उसी प्रकार से, मतलब जो वहाँ पे ब्रह्मा जो साक्षी रूप में बैठ कर सब इस प्रकार व्यक्ति के समान कार्य करण व्यापारेश, कार्य हो गया स्थूल शरीर, कर्म हो गया सूक्ष्म शरीर, इन सभी कार्यकरण संघात की व्यापार में व्यापारों में स्वयं अव्यापृत अपने आप व्यापार नहीं करता, इस प्रकार वहाँ पे जो मतलब यज्ञों में जो ब्रह्मा नामक ऋतिक होते हैं वो कुछ व्यापार नहीं करता केवल देखते रहते हैं, कि उसी के समान ये भी जो है जो उपदष्टा रूपी जो आत्मा पुरुष को बोल रहे हैं कार्य करण व्यापार स्वयं अव्यापृत विलक्षण, उन लोगों की व्यापार से बिल्कुल अलग लक्षण लक्षण है, तेषां कार्य करणानां स्व्यापारणां जो कार्यकरण संघात के जिस कारण के जो व्यापार स्व्यापार समीपस्थ दृष्टा बिल्कुल पास में नहीं करके मतलब उससे अभिन्न होकर उसको देखता रहता है। यद्यपि यज्ञ में तो अलग अलग ये ऋग्वेद की होता ये जो है यजुर्वेद का धैर्य ये जो है हमारा उद्गाता सामवेदी और ये ब्रह्मा बैठा है वो अलग है, परंतु ये आत्मा जो उपदृष्टा है ये तो सबके अंदर अनुसूत है कार्यकरण संघात में, इसलिए उपमत बिल्कुल पास में रह करके दृष्टा समीपस्थ दृष्टा समीप में रह करके देखने वाला
ना तू कर्ता पुरुष है, तू करने वाला नहीं है पुरुष, ठीक है ना। तत्र किंचित् पश्यति अनन्वागतस्तेन भवति असंगो हि अयम् पुरुषः। जागृत काल में हो, स्वप्न काल में हो, सुषुप्ति काल में हो, पुरुष कुछ कुछ तो व्यापार होता ही रहता है, होता है। जागृत काल में व्यापार तो समझ में आता है, स्वप्न काल में व्यापार समझ में आता है, लेकिन प्रातिभाषिक वस्तु का हम देखते रहते हैं। सुषुप्ति काल में उस समय तो व्यापार होता है, वो आप देखते रहते हैं, उस समय समझ में नहीं, देखते रहते हैं। सुषुप्ति वाले हम क्या देखते रहते हैं, अपनी अज्ञान को, क्योंकि उठ के क्या बोलते हैं, सुखम अहम अश्वासम न किंचित अवेदिशम। ये जो आप कहते हैं मैं आनंद से श्वेता कुछ भी नहीं जाना, ये जो कुछ भी नहीं जाना इसको तो आपने जाना, क्योंकि अनुभव के बिना स्मृति नहीं होती, अनुभव के बिना स्मृति होना संभव नहीं है। जब आप उठ करके बोलते हैं मैं कुछ भी नहीं जाना, यानी कि सुषुप्ति काल में आप इसका अनुभव कर रहे थे, मैं कुछ नहीं, इसलिए अपने अज्ञान का उस समय जान जाते हैं। और शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि के साथ संबंध छूटने के कारण अपने स्वरूप के साथ एक होने का फलस्वरूप आनंद को भी हम अनुभव करते हैं, वो भी रिकॉर्ड हो जाता है चित्त में। इसीलिए उठ करके वो बोलते हैं आनंद से सोया था मैं कुछ भी नहीं। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति में शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि की जो भी कुछ व्यापार होता है, इन व्यापार के साथ आत्मा का कोई संबंध नहीं है, है ना। इसलिए तो बोलते हैं इतने कई बार आया इस शब्द को, स जत तत्र, वो पुरुष जो भी कुछ, तत्र मतलब उस अलग अलग तीन अवस्थाओं में, अलग अलग तीन अवस्था में, जत किंचित पश्यति, जो भी कुछ देखते हैं, अनन्वागतस्तेन भवति, इसके साथ इसका कोई संबंध नहीं होता। क्यों, असंग पुरुष, ये पुरुष सर्वथा असंग है। इसलिए जागृत काल में भी कुछ व्यापार शरीर इंद्र मन बुद्धि करता है, तो फिर हम उसको हम अपने में आरोप कर लेते हैं, मैंने किया, मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने गया, परंतु आत्मा में ही सब क्रिया नहीं, असंग ही अयम पुरुष, इस पुरुष सर्वथा असंग है। ये कई बार रिपीट हुआ ज्योतिर्ब्रह्मन में, ये हो गया उपदृष्ट का पहला अर्थ। दूसरा अर्थ देखिए बोल रहे हैं, अथवा देह चक्षु मनो बुद्धि आत्मसु दृष्टिषु, ठीक है ना। देह है, देह किसको देखता है, देह उससे बाहर वस्तु को देखता है, अंदर को नहीं देख पाता है। फिर उसके बाद है चक्षु, चक्षु किसको देखते हैं, चक्षु शरीर को देख लेगा परंतु मन को नहीं देख पाएगा। मन देह को भी देखेगा, चक्षु को भी देखेगा, परंतु बुद्धि को नहीं देख पाएगा। बुद्धि देह चक्षु मन सबको देखेगा परंतु आत्मा साक्षी को नहीं देख पाएगा। परंतु साक्षी सबसे भीतर है, इसीलिए साक्षी क्या होता है, शरीर का भी प्रकाशक है, चक्षु का भी प्रकाशक है, मन का भी प्रकाशक है, बुद्धि का भी प्रकाशक है, सबसे अंदर होने के कारण। बाहरी वस्तु अंदर नहीं, भगवान ने क्या किया, परांची खानी व्यक्ति बहिर्मुखी बनाया, इसलिए आप बाहर देखते हो और आत्मा सबसे अंदर है, इसलिए आगे के सबको देख पाता है, और जो आगे आगे वाला है वो पीछे नहीं देख पाता, इसलिए आत्मा को नहीं देख पाता है। इसीलिए बोलते हैं उपदृष्टा, आत्मा होगा उपदृष्टा, देह चक्षु मनो बुद्ध्यात्मसु, है ना। देह इंद्रिया चक्षु से समस्त इंद्रिया ले लेना, फिर मन, फिर बुद्धि और आत्मा, इन सभी जो सभी देखने वाला दृष्टिमान दृष्टि शुभ बाह्यान, सबसे बाहर कौन है, शरीर, जो बाहरी वस्तुओं को देहादी अपेक्ष अति अव्यवहित दृष्टा आत्मा, देहादी के अपेक्षा रख करके आत्मा का हो गया अत्यंत अव्यवहित, अत्यंत अव्यवहित मतलब व्यवधान, व्यवहित मतलब व्यवधान रहता है, जब ठीक है ना, तो व्यवधान मतलब मतलब इसको चक्षु को बुद्धि अगर चक्षु को देखना चाहते हैं तो मन को माध्यम बनना पड़ता है, मन यदि शरीर को देखना चाहता है तो चक्षु को माध्यम बन व्यवधान हो जाता है, परंतु आत्मा किसी के साथ व्यवधान नहीं रखता, क्योंकि सबके अंदर मनुष्य होता है, इसलिए आत्मा को उपदृष्ट कहा गया। देहादीन अपेक्ष अति अव्यवहित दृष्ट आत्मा, सब अत्यंत व्यवधान रहित दृष्ट आत्मा होने के कारण इस पुरुष को उपदृष्ट कहा। तो पहले उपदृष्टा साक्षी को बोलो, और दूसरी है ना जो है चुपचाप केवल किसी का शरीर इंद्र मन बुद्धि के व्यापार को देखता रहता है, और दुष्ट दूसरा उपदृष्ट का अर्थ कर दिया जो सबसे इनर मोस्ट है,
वो जो है सबके अंदर अनुसूत रह करके सबके व्यापार को देखता रहता है। इसलिए उपदृष्ट उपशब्द सामीप्य अर्थता उपशब्द का उपसर्ग उपयोग उपसर्ग है प्रपरा अपसमिष्ठ उपयोग उपसर्ग है सामीप्य अर्थ उसका अर्थ क्या होता है विसिनिटी बिल्कुल सन्निधि में है बिल्कुल सामीप्य अर्थ होने के कारण तस्य च अव्यवधान रूपस्य वो जो प्रत्येक आत्मा क्या है सभी के साथ अव्यवहित है इसीलिए उसको प्रत्येक आत्मनि एव प्रत्येक आत्मा प्रति अंशक यदि प्रत्यक जो अंदर की ओर जाते हैं अंशित हमसे गति अर्थ अंदर प्रति अंदर की ओर जाते हैं प्रत्यक आत्मनि एव पर्यवसन क्या होता है प्रत्यक आत्मा में जाके ही वो पर्यवसित होते हैं। उपदृष्ट शब्द का अर्थ कहाँ पे गया प्रत्यक आत्मा में प्रत्यक आत्मा मतलब इनमोस्ट सबसे अंदर जो चिंतन वित्त मन है सबसे अंदर मतलब सभी मतलब शरीर इंद्र मन बुद्धि के साथ अव्यवहित है इसलिए इसको उपदृष्ट कहा गया है। ये फिर अनुमंता अनुमति अनुमति देने वाला अनुमंता अनुमोदन करने वाला कार्य करण प्रवृत्तिषु स्वयं अप्रवृत्त अपि प्रवृत्त इव सन्निधि मात्रेन तद अनुकूलता अनुमंता ठीक है। किसी भी कार्य करण संघात जब प्रवृत्त होता है वो आत्मा स्वयं अप्रवृत्त होते हुए भी प्रवृत्त इव आत्मा में प्रवृत्ति हो रहा है जैसा प्रतीति होते हैं क्यों सन्निधि मात्रे सन्निधि मात्रे तो वहाँ पे इसलिए तद अनुकूलता क्योंकि उसके व्यापार के अनुकूल हो जाता है मतलब वो जैसे व्यापार करता है अपुदस्त बैठ कर देखता रहता है इसलिए उसको अनुमंता कहा गया है। मतलब शरीर इंद्रिय मन बुद्धि जो भी कुछ व्यापार करते हैं उसमें कोई प्रतिबंधक उत्पन्न नहीं करता शरीर की व्यापार में मन अथवा बुद्धि प्रतिबंधक उत्पन्न कर सकते हैं आत्मा को कभी किसी का प्रतिबंधक नहीं होता कभी किसी का प्रतिबंधक नहीं होता क्योंकि उसको कोई क्रिया करने का सामर्थ्य ही नहीं है। वो किसी क्रिया करेगा तो किसी और अंतकरण अथवा मन बुद्धि को सहारा लेकर के करते हैं इसलिए किसी का किसी व्यापार में किसी भी शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के किसी भी व्यापार में ये जो है प्रतिबंधक नहीं होने के कारण इसको अनुमानता शब्द के द्वारा कहा गया अथवा स्व व्यापारेषु प्रवृत्तान देह इंद्रियादि न निवारयति और एक हो गया सन्निधि मात्र से उसको जो है प्रवृत्त करना और किसी को निवारण नहीं करता निषेध नहीं करता है कदाचित भी कभी भी तत्साक्षी भूत पुरुष है क्योंकि उस व्यापार का साक्षी रूप पुरुष है यदि अनुमंता इसीलिए पुरुष को अनुमंता शब्द के द्वारा कहा गया साक्षी चेता केवल निर्गुणस्य इति श्रुतेः इस प्रकार श्रुति वाक्य होने के कारण देखिए जो भी कुछ स्टेटमेंट है उपदृष्ट अनुमंता इस श्रुति के द्वारा ही इसे कहा गया है उसको यहाँ पर उद्धृत करके लिखा है। उसके बाद क्या है भर्ता और फिर भोक्ता भर्ता मतलब भरण पोषण करने वाला और भोक्ता मतलब भोग करने वाला था भर्ता बोल रहे देह इंद्रिय मनोबुद्धि नाम संहता नाम चैतन्य आभास विशिष्टाना स्वसत्तया स्फुरणे न च धारयिता पोषयिता च भर्ता शब्द करते हैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सबका देह इंद्रिय मन बुद्धि नाम वो क्या है एक संघात बना हुआ है कार्यकरण संघात है संघाता नाम चैतन्य आभास विशिष्टता नाम जो चैतन्यता की आभास के द्वारा मतलब आभासित हो रखा है उसको क्या करता है सब कैसे हुआ वो स्वसत्ताया स्फुरणेन च अपनी सत्ता और स्फूर्ति के द्वारा धारयिता पोषयिता उसको धारण भी करते हैं और पोषण भी करते हैं धारण मतलब पकड़ के रखना पोषण मतलब खिलाना पिलाना इस प्रकार मतलब शरीर इंद्रियों मन बुद्धि को धारयिता पोषयिता इसलिए इसको भर्ता बोलते हैं। देह इंद्रिय मनोबुद्धि नाम संघताना चैतन्य आभास विशिष्टता नाम शरीर इंद्रियो सब षष्ठी भोवचन चैतन्य के आभास के द्वारा विशिष्ट होकर के जो कार्यकरण संघात शरीर इंद्र मनोबुद्धि जो व्यापार करते हैं उस सभी को सत्वया स्फुरणेन च अपनी सत्ता और स्फूर्ति सत और चित्त के द्वारा इसीलिए तो शरीर इंद्र मन बुद्धि की सत्ता भी दिखाई पड़ता है और उसका स्फुरण भी होता है धारयिता पोषयिता यहाँ तक तो ठीक है। भोक्ता कैसे बोल दिया पुरुष को बुद्धि सुख दुख मोहन मोहात्मा का नाम प्रत्यानाम देखिए भोक्ता कैसे बना पुरुष जो बुद्धि की जो वृत्तियाँ हैं कभी सुखात्मक वृत्ति
कभी दुखात्मक वृत्ति, कभी मोहात्मक वृत्ति, कभी सत्यगुण के कारण, कभी रजगुण के कारण, कभी तमगुण के कारण दिखाई पड़ता है। बुद्धे सुख दुख मोहात्मकान प्रत्ययान, ये जो सुखात्मक वृत्ति प्रत्यमत वृत्तियाँ, ये जो बुद्धि के जो सुखात्मक वृत्ति दुखात्मक वृत्ति मोहात्मक जो वृत्ति है, उन वृत्तियों को स्वरूप चैतन्य न प्रकाशित, अपनी स्वरूप की चेतनता के द्वारा उसको प्रकाशित करते हैं। तभी तो हमको समझ में आता है मेरे को सुख हो रहा है, मेरे को दुख हो रहा है, मैं राखी हूँ, मैं कोटी हूँ, मैं ग्रामीण हूँ, ये सब जो है उसी के चैतन्य के द्वारा प्रकाशित होकर के, और वो चैतन्य में क्या है, हम मैं है, तो मैं के साथ बुद्धि के वृत्ति द्वारा मिल गया तो क्या होगा, मैं क्रोधी ग्रामीण सुखी दुखी हो जाता है। ये हो गया प्रत्यान स्वरूप चैतन्य का प्रकाश है, परंतु ये उस स्वरूप का प्रकाश के साथ बुद्धि वृत्ति का कोई संबंध नहीं है, अज्ञान से मिला करके बोल देते हैं, तब हम भोक्ता बन जाते हैं। और इस भोक्तित्व तो बुद्धि हमारा क्या बोला था कि सदसत ज्योनि जन्म सुख कारण बन जाते, सदसत ज्योनि में उत्पन्न होने के लिए कारण बन जाते। पहले बोलते ना सुख पुरुष सुख दुख कानन भोक्तृत्व हेतु रुचि, सुख दुख को भोक्ति, और इसी के फलस्वरूप क्या होता है सदसत ज्योनि में जन्म लेते हैं। भोक्ता बुद्धे सुख दुख महात्मकान प्रत्ययान स्वरूप चैतन्य न प्रकाशयति निर्विकार एव उपलब्धा। इसलिए देखिए वो ऊपर भोक्ता है परंतु निर्विकार है, भोक्ता चेतन के बिना भोक्ता नहीं होगा, वो विकार कहाँ हो रहा है, बुद्धि में हो रहा है, सुखित्व दुखित्व परंतु पुरुष में नहीं है, वो निर्विकार उपलब्धा। इसलिए बोलते हैं निर्विकार एव उपलब्धा। यहाँ तक हो गया उपदष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता, इसके बाद क्या है महेश्वर, क्यों महेश्वर है सर्वात्मत्वात् स्वतंत्रात् च, शरीर इंद्र मन बुद्धि स्वतंत्र व्यापार नहीं कर सकते, आत्मा की सन्निधि में व्यापार कर सकते हैं, परंतु आत्मा जो है सभी के सभी का आत्मा भी है और स्वतंत्र भी, किसी का अधीन नहीं है, स्वयं प्रकाश है, शरीर इंद्र मन बुद्धि अपने आप प्रकाशित नहीं कर सकते, इसलिए इसको महांश्च अशु ईश्वरश्च महेश्वर है, तो आप कर्मधारय समझ सर्वात्मत्वा सभी के स्वरूपभूत होने के कारण और स्वतंत्रत्च स्वतंत्रत्वाच और स्वतंत्रता है उसमें, इसलिए महान ईश्वरश्च इति महेश्वर। ये देखिए यहाँ पे वो महान भी है और सबका नियामक भी, इसको इसलिए महेश्वर भी बोलते हैं। फिर शब्द आया परमात्मा, परमात्मा क्या बोलता है देहादि बुद्धिमंतानां अविद्या आत्मत्वेन कल्पितानां परम प्रकृष्ट, ठीक है पर देखिए परम परमात्मा क्या है देहादि बुद्धिमंतानां, क्या बोलते हैं शरीर इंद्रियां मन बुद्धि विद्या प्राण कभी ले सकता है देह से लेकर के बुद्धि तक, अविद्या आत्मत्वेन कल्पितानां अज्ञान से यही मैं हूँ इस प्रकार की कल्पना किया गया है उन सभी वस्तुओं का, उन मतलब उस समस्त वस्तु परम उससे परम प्रकृष्ट उससे उत्कृष्ट है, उपदृष्टत्वादि पूर्वक विशेषण विशिष्ट, क्यों मुझे उपदृष्टा अनुमानता ये बोल रहे इस प्रकार विशेषण के द्वारा विशिष्ट होकर के जो आत्मा है उसी को यहाँ पे परमात्मा शब्द के द्वारा कहा रहा है। परमात्मा मतलब देहादि बुद्धि अंतानाम अविद्या आत्मत्वेन कल्पितानाम, शरीर से लेकर बुद्धि जिसको अज्ञान से हम मैं रूप में कल्पना किया उसका पर उस सभी से श्रेष्ठ है, मतलब प्रकृष्ट है, क्यों प्रकृष्ट है क्योंकि उपदृष्टित्वादि पूर्वक विशेषण विशिष्ट उपदृष्टा अनुमंता वर्ता भोक्ता इस प्रकार विशेषण के द्वारा विशिष्ट जो आत्मा है वो हो गया परमात्मा। इति इस प्रकार से अनेन शब्देन अपि परमात्मा इति च उक्त है ना, परमात्मा इति च अपि उक्त, ठीक है ना, इसी जीव को जो उपदृष्टा है अनुमानता है भक्ता है भोक्ता है इसी को ही परमात्मा शब्द महेश्वर और परमात्मा शब्दों के द्वारा भी कहा जाता है, मतलब एक भिन्न नहीं है केवल उपाधि के साथ तादात्म्य छोड़े, तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि इति इस प्रकार से अनेन शब्देन इस शब्दों के द्वारा भी कौन सा शब्द परमात्मा इस शब्द के द्वारा भी अपि मतलब ही उक्त मतलब कथित कहा श्रुति जीव को ईश्वर रूप में प्रतिपादन किया है मतलब ब्रह्म रूप में प्रतिपादन है। चकारा चकार शब्द है परमात्मा अपि च विभुक्त न पर चकार से चकारा उपद्रष्टा इत्यादि शब्द अपि और उपद्रष्टा अनुमानता भक्ति शब्द के द्वारा भी दिखाया उसको है ना,
उसको परम जिसको परमेश्वर महेश्वर बोल रहे हैं श्रुति, उसी को एक उपद्रष्टा मानता भक्त उसी को ही बोल रहे हैं। इसलिए बोलते हैं सकारा उपद्रष्टा इत्यादि शब्द ही इन शब्द के द्वारा भी स एक पुरुष पर वही परम पुरुष को कहा जाता है। इसको भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही बोलेंगे उत्तम पुरुष स्तुवन्न परमात्मा हितुधारित है ना। इस प्रकार से परमात्मा भगवान भगवान श्री कृष्ण इसको जो है पंचदश अध्याय में अपने आप बोलेंगे है ना। एक क्षर पुरुष है एक अक्षर पुरुष है और क्षर अक्षर से पीछे एक उत्तम पुरुष है पुरुष यस्मात् क्षरमती तो हम अक्षरार्थ पीछे उत्तम अतः अस्मिन् लोके वेद च प्रथित पुरुषोत्तम। इसे बोलते हैं उत्तम पुरुष स्वर्ण परमात्मा इति उदाहरित इसको परमात्मा इस नाम से कहा जाता है। इति अग्रे अपि वक्षते इस प्रकार आगे भी भगवान श्री कृष्ण अपने आप बोलेंगे। अच्छा भाई इस प्रकार से तद एवं स च ज्योजत प्रभावस्य इति व्याख्यातम्। इस प्रकार से वो पुरुष क्या प्रभाव वाला है ये व्याख्यान कर दिया। स पुरुष जो प्रभाव वाला क्या प्रभाव वाला है वो उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता होते हुए भी वो परमात्मा भी है महेश्वर भी है। इस प्रकार से तद एवं स च ज्योजत प्रभावस्य वो जो पुरुष जिस प्रभाव वाला है व्याख्यातम्। इदानीं वो क्या बोल गया था जज क्या था 12 नंबर श्लोक को देख लिया ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते। बोला कि निवारण नंबर में ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यद् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते अनादिमत् परब्रह्म न सत् न सनुच्यते। तो ये जो यद् ज्ञात्वा अमृतम् अश्नुते इति उक्तम उसके यहाँ पे अभी उपसंहार करते हैं कैसे अमृतत्व को प्राप्त करते हैं है ना। यद् ज्ञात्वा उसको लेकर के बोलते हैं या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणहिंसः सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते नॉमिनेटिव सिंगुलर है जह व्यक्ति जो जानता है क्या जानता है एवं इस प्रकार से पुरुषम और प्रकृति गुणेश प्रकृति पुरुष को जानता है और गुण के साथ प्रकृति को जानते हैं है ना। गुणेश प्रकृति पुरुषम गुणेश प्रकृति व्यक्ति जब व्यक्ति वो व्यक्ति सर्वथा वर्तमान भी किसी भी अवस्था में रहे ये सर्वथा शब्दों का अर्थ मान लीजिए कभी शास्त्र अनुकूल नहीं रहने पर भी एक बार यदि पुरुष और प्रकृति को इस प्रकार से जान लेता है न सूय अभी जान जाती उसको फिर दोबारा जन्म नहीं होता उसको फिर दोबारा न सूय मतलब दोबारा जन्म नहीं होता। वो किसी भी अवस्था में वर्तमान रहने पर भी तो बीमार पड़ा वो पड़ा बा जेल में रहे कुछ भी हो दोबारा उसको देखो ऋषि अरविंद जेल में रहते हुए भी कभी मतलब ज्ञान में कोई कमी नहीं है इसलिए वो उसका दूर को दोबारा जन्म नहीं होता उसको समझाने के लिए बोल रहे हैं। देखिए तो यह एवं उक्तेन प्रकारेण इस प्रकार जैसे यहाँ पे दिखाया गया है पुरुष और प्रकृति के अलग अलग स्वभाव को व्यक्ति पुरुषम अयम अहमस्मेति साक्षात कैसे होता है यही उपद्रष्टा अनुमंता भक्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा यही मैं हूँ इस प्रकार से अनुभव करते हैं। मतलब इस शरीर में भक्ता भोक्ता के रूप में रहते हुए भी अपनी व्यापकता शुद्धता असंगता में कोई खिन्नता नहीं कोई कमी नहीं है इस प्रकार से जो अपने को अनुभव कर लेता है साक्षात करोति। केवल इतना ही नहीं प्रकृति च अविद्याम गुणे मतलब सविकारेश मिथ्या भूताम आत्मविद्या बाधिता व्यक्ति और ये प्रकृति ठीक है ना जो अविद्या की प्रकृति च अविद्याम जो अविद्या रूप है गुणे प्रकृति के साथ गुण रहता है गुणों के विकारों को है ना ये सभी को सह ये सब मिथ्या भूत है ये पारमार्थिक नहीं है
क्योंकि क्या हो गया, आत्मविद्वया बाधिता, जो आत्मज्ञान से जो बाधित हो जाता है, रज्जु को ऊपर दिखाई दे रहा है सर्व, जब रज्जु ज्ञान होने पर वो सर्व में सत्तत्व बुद्धि नहीं होती थी, इसी प्रकार अधिष्ठान तत्व के ज्ञान हो जाने के कारण शरीर दिखाई देने पर भी वहां सत्तत्व बुद्धि नहीं रह जाती, ठीक है ना। बड़ी बड़ी समस्या है यहाँ पे, सत्तत्व बुद्धि नहीं रहने पर क्या हो जाएगा, शरीर कोई पारमार्थिक सत्व वस्तु नहीं है तो फल तो क्या हो जाएगा, ये शरीर प्रणब्ध से टिका हुआ है ये भी जाएगा, प्रणब्ध किसके है, रज्जु के ऊपर देखे हुए सर्प का क्या प्रणब्ध होगा, उसको कल्पित वस्तु था, जब ये निश्चय हो जाएगा कि शरीर कल्पित है ये प्रणब्ध भी जाएगा। देखने वाले की दृष्टि को उसको समझाने के लिए श्रुति कुछ प्रणब्ध को बात करते हैं, परंतु ज्ञानी की दृष्टि से प्रणब्ध भी चला जाता है ना। तो इसी ज्ञान पर बोलते हैं कि मिथ्याभूत आत्मविद्वया बाधिता व्यक्ति, मिथ्याभूत जो प्रकृति और उसके कार्य वो आत्मज्ञान के द्वारा बाधित होकर के बाधित हो गया ऐसा समझ जाता है, निवृत्त मम अज्ञान तत्कार्य इति, मतलब अज्ञान और अज्ञान का कार्य निवृत्त हो गया, अब नहीं दिखाई देता, मतलब इदमता ममता अहमता ही चला जाता है, अहमता मतलब ये मैं हूँ, ममता इस पे ये था और इदमता ये सब मेरा है, ये करके ये भाव चला जाता है, ये अहमता इदमता ममता उसका कार्य नहीं रहता। इति जो इस प्रकार जान लेते हैं उसको क्या होता है, सब सर्वथा मतलब प्रारब्ध कर्म वशात इंद्रवत विधिम अतिक्रम्य वर्तमान अपि भूयो न जायते, ठीक है। वो जिस पर इंद्र राजा है देवताओं की, वो विधि पूर्वक अभी पहले तो इंद्र बनने के लिए विधि पूर्वक काम करता था, अभी यदि कभी कुछ भी विधि पूर्वक काम कर भी लेते हैं उसको कोई पाप नहीं लगता, वो कर सकता है, सब शायद उसके लिए छूट है। इसी प्रकार से प्रारब्ध कर्म की बल से सर्वथा प्रारब्ध कर्म वशा इंद्रवत एक दृष्टांत दिया, विधि अतिक्रम शास्त्र विधि को अतिक्रमण करके विद्यमान रहने पर भी भूल होना चाहिए, दोबारा उसका जन्म नहीं होता, मतलब कोई निषिद्ध कर्म शरीर से विद्यत शरीर से कोई निषिद्ध कर्म हो जाने पर भी ज्ञान के बल से उसका अंदर उसके द्वारा उपायमान नहीं होता, समय आने पर मुक्त हो ही जाएगा। इसीलिए बोलते हैं भूय न जायते, मतलब पतिते अस्मिन विद्वत शरीरे, जिस शरीर से ज्ञान प्राप्त किया उस शरीर को बोलते हैं विद्वत शरीर, ये विद्वत शरीर गिर जाने पर मतलब मर जाने पर पुनर्देह ग्रहण न करते, दोबारा फिर शरीर धारण नहीं करते, दोबारा उसको शरीर प्राप्त नहीं होता, क्यों, अविद्याया विद्या नाशिताया, अज्ञान का विद्या के द्वारा अविद्या का विद्या के द्वारा नाश हो जाने के कारण अविद्यायाम विद्याया नाशितायाम तत्कार्य असंभवस्य, उसका तो कार्य फिर संभव नहीं है, बहुधा उत्तत्वा अनेक प्रकार से इसको कहा गया है ब्रह्म सूत्र में, तद अधिगमे उत्तर पूर्व अभयोर अश्लेष विनाशो तद व्यपदेशात इति न्यायात, ये ब्रह्म सूत्र है चतुर्थ अध्याय प्रथम पद की 13वां सूत्र है, तद अधिगमे मतलब आत्म साक्षात्कार हो जाने पर जो आपका संचित कर्म था वो संचित कर्म मतलब पूर्व जो पाप था संचित कर्म, वो संचित कर्म के साथ आपका था क्यों शरीर ये नहीं, जिस प्रकार स्वप्नों में देखे हुए चाहे पाप अथवा पुण्य हो उसके द्वारा आप नरक अथवा स्वर्ग लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, स्वप्न में देखे हुए पाप अथवा पुण्यों से हम ना नरक जाते हैं ना स्वर्ग जाते हैं। अब माया निद्रा से जग गया जो व्यक्ति, तो जिसको शरीर स्वप्न रूप में दिखाई दे रहा था, अब माया निद्रा से उठने के कारण शरीर के साथ तादात्म्य, जो स्वप्न में जो शरीर दिख रहा था उसमें सत्तत्व बुद्धि नहीं है ना उसके विचार करते हैं, फलत क्या हो जाएगा, स्वप्न में देखे हुए शरीर में किए शरीर के द्वारा किए हुए पाप पुण्य के साथ जैसे इसका संबंध नहीं होता, उसी प्रकार जागृत में देखे हुए शरीर के साथ की पाप पुण्य का इसका कोई संबंध नहीं होता, फलत क्या होता है संचित कर्म उसका चल जाता है, इसी को बोलते हैं ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणां भस्मस्यात् पूर्वे, ये तो हो गया उत्तर कर्म, और एक होता है ये पूर्व कर्म उत्तर कर्म, उत्तर कर्म तो ज्ञान के बाद शरीर के द्वारा जो क्रिया होता है उसमें क्या होता है कि वो जानते हैं शरीर मिथ्या है और ना कोई कर्तृत्व तो बुद्धि है ना कोई फलिच्छा है, फलत तो उस कर्म के द्वारा भी उन्हें पायमान नहीं होना। अब बचा आपकी प्रारब्ध कर्म,
शास्त्र में विज्ञानी के शरीर के द्वारा भी कुछ कर्म होता है, इसलिए शास्त्र उस प्रारब्ध कर्म को बलवान मान्यता दे करके, मतलब देखने वाले की दृष्टि से एक प्रारब्ध कर्म की मान्यता दे करके ज्ञानी के अंदर थोड़ा सा अविद्या लेश रख देते हैं भगवान। ठाकुर जी का कथन है, भगवान शंकराचार्य का ज्ञान की एक अभिमान भगवान रख देते हैं, चैतन्य भक्ति के अभिमान, न तो प्रचार नहीं होता उसका, भगवान रखते हैं उसको, तो उनके अपने दृष्टि में नहीं है, देखने वाले की नहीं, तो काम नहीं कर सकता। इसलिए आप बोलते हैं तद अधिगमे, इस प्रकार जो है आत्म साक्षात्कार हो जाने पर उत्तर पूर्व आगे, उत्तर मतलब आगे आगामी कर्म और पूर्व मतलब संचित कर्म, इनका क्या होता है अघयोर मतलब पाप का पुण्य का अश्लेषो मतलब उत्तर कर्म के साथ संबंध नहीं होता और पूर्व कर्म नाश हो जाता है, संचित कर्म जल जाता है और आगामी कर्म के साथ संबंध नहीं होता। इसलिए बोलते हैं ये ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र तद अधिगमे तत्व साक्षात्कार होने पर उत्तर पूर्व अघयोर मतलब उत्तर मतलब जो आगे का और पूर्व मतलब पीछे का होकर संचित कर्म जल जाता है और आगे का कर्म के साथ संबंध नहीं होता। अश्लेष विनाशो तद व्यपदेशात श्रुति ऐसा के तस्तव हो, इस प्रकार उपदेश होने के कारण इति न्याया ये ब्रह्मसूत्र है। अब जो है वहां पे जो आया है कि वर्तमानो भी अपि शब्दा विधि अनतिक्रम वर्तमान स्वृत्तस्थ भूयो नायते, यदि कभी विधि को अतिक्रमण करके भी विद्यमान रहता है फिर भी अपने आत्मवृत्ति से वो कभी उसके कारण स्वृत्तिस्थ भूयो न जायता, अपने वृत्ति में रहने के कारण उसको क्या होता है, यदि बलवान प्रारब्ध के कारण ज्ञानी के शरीर के द्वारा ऐसा कोई निषिद्ध कर्म होता दिखाई देता है, बिंदु क्योंकि ज्ञान हो गया फल तो क्या होता है उसको फिर दोबारा नशा भूय अभी जाए इति क्यों वक्तव्य। अब कहना ही क्या है, यदि वो अपने वृत्ति स्वृत्तिस्थ भू ना जाते, यदि अपिशब्द के द्वारा यदि उसको अतिक्रमण करके वर्तमान रहता है तो भी वो नहीं जाए जन्म लेगा, और यदि अपने ज्ञानी अपने स्वरूप में अपने अतिक्रमण नहीं करता अपने स्वरूप में विद्यमान रहता है तो वो मुक्त हो जाएगा। इसके लिए कहना ही क्या है, यहाँ पे अपिशब्द के द्वारा वर्तमान सर्वथा वर्तमान भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान होने के बाद यदि ज्ञान को तरु स्वरूप समझ में आ गया उस शरीर के द्वारा यदि कुछ मतलब अन्यथा कर्म हो भी जाता है परंतु एक लगा के यदि वहाँ पे आसक्त हो जाता तब तो उसका फल प्राप्त होगा। ज्ञान होने का बाद भी यदि किसी कारण से कहीं कुछ आसक्ति आ जाए तब तो उसका फल उसको एक बार फिर जन्म, जैसे जड़ भरत का निर्दर्शन दिया ये तो मुश्किल है, परंतु हमारे पास दृष्टांत है जड़ भरत, वो कैसे हो इसका उत्तर आप नहीं कह सकते, इसका उत्तर आप नहीं दे सकते हैं, यही महाकामना है। यदि ऐसा हो गया परंतु यदि आसक्ति नहीं है निराशक्त रूप में है तब उसका कुछ ये नहीं होता, तब उसका दोबारा जन्म नहीं होता, ये अभिप्राय है। इस विषय में कहना है कि अभिप्राय अब जो है इस प्रकार आत्मभाव को प्राप्त करने में क्या क्या साधन है उसको लेकर के भगवान कहते हैं अत्र आत्मदर्शने साधन विकल्प इमे कथन्ते, इस प्रकार आत्मदर्शन में क्या क्या साधन है अधिकारी की भिन्नता से अलग अलग साधन भी आगे कहना चाहते हैं, इमे ये आगे कहने वाले कथन्ते उसको कहा जाता है। यह ही चतुर्विधा जना अधिकारी चार प्रकार के देखा जाता है ना, केचित उत्तमः कुछ तो उत्तम अधिकारी है, केचित मध्यमः कुछ मध्यम अधिकारी है, केचित मंदा कुछ थोड़ा निम्न अधिकारी है, केचित मंदोतरा और थोड़ा और कम मंदोतर और भी अधिक मंदोतर, इसलिए चार प्रकार के अधिकारी के लिए भगवान श्री कृष्ण साधन को बता रहे हैं। तत्र उत्तमाना आत्मज्ञान साधनम आह, इन चारों में उत्तम व्यक्ति के लिए आत्मज्ञान का साधन क्या होता है तो देखिए वहां पे ध्यानेनात्मनिपश्यन्ते केचिदात्मनमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ध्यानेनात्मनिपश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना।
बच्चे जो है आत्मनिष्ठ होते हैं। तो ध्यान आत्मभाव में मग्न रहते हैं। आत्मनि ध्यान मतलब नीति ध्यान में स्थिर हो गए। आत्मनि आत्मना आत्मान पश्यन्ति, ठीक है, आत्मनि आत्मना आत्मान पश्यन्ति, अपने में अपने द्वारा अपने को देखता है, अपने में अपने द्वारा अपने को देखता है। कुछ लोग मतलब निधिध्यासन करते करते अपने स्वरूप का अनुभव करते हैं। सभी के लिए यही प्रक्रिया है। ये उत्तम अधिकार तो यही शुरू होगा। कुछ यदि मध्यम अधिकार सांख्य न योग है ना, सांख्य योग मतलब वेदांत विचार मनन, मनन करने के बाद और फिर निधिध्यासन से भी आ जाएगा, फिर फर्स्ट कैटेगरी में चला जाएगा। अन्य सांख्य सीधा नहीं होगा, मतलब विचार के द्वारा फिर मन एक जगह पर स्थिर हो जाएगा, तब अपने में अपने का इम्पैक्ट होगा। ये सेकंड कैटेगरी मतलब उत्तम मध्यम। मन का अधिकारी कहाँ शुरू करेगा? कर्मयोग से शुरू करेगा। कर्मयोग से अंतकरण शुद्ध होगा, अंतकरण शुद्ध होगा कि वेदांत श्रवण मनन करेगा, फिर निधिध्यासन के माध्यम से करेगा। इसमें इस क्रम में कोई यह नहीं है, तो इसमें ये व्यतिक्रम नहीं है, ये करना ही पड़ेगा आपको। और उसके उसके लिए सिवा एक और आगे बोल रहे थे कि उसके एक साथ पढ़ लेते हैं, जो 25 नंबर को देखिए। अन्येत्वेवम अजानन्तः अन्येत्वेवम अजानन्तः श्रुत्यान्येभ्य उपासते श्रुत्यान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः मृत्युं श्रुतिपरायणः अन्येत्वेव अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चाति तरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः। अन्य तु एवम् अजानन्त, वो अपने आप तो नहीं जानता, दूसरे से सुनता है, किसी से सुन, गुरु मुख से सुन सकता है, अन्य के सुन से सुना, फिर श्रुत्वा उपासते, वो अपना काम शुरू करते हैं, उपासना करते हैं। तेऽपि वो लोग भी स्तुति परायणा, फिर बाद में स्तुति अनुकूल होकर के क्या होते हैं, मृत्यु अतितरन्ति, वो भी संसार रूप मृत्यु को पार कर जाता है। देखिए एक प्रकार की जीव है, केवल प्रकृति के अनुसार चलता है, उसको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा, वो किसी से सुन करके उसको शास्त्रीय कर्म करना पड़ेगा, तब अपनी प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। फिर शास्त्रीय कर्म पहले सकाम ढंग से करेगा, क्योंकि प्रकृति के अनुसार चलता है तो भोग की इच्छा करते हैं, क्रम यही है, कोई व्यक्ति भोग की इच्छा से अपनी प्रकृति के अनुसार काम करता है, कुछ दिन बाद पता लगता है इतना भोग करने से दुखी तो हो रहा है, तो इसका उपाय निराकरण उपाय क्या है, तब उसको बोलते हैं तुम अपनी वर्ण और आश्रम भी कर्म करो। तो शास्त्रीय कर्म पहले सकाम भाव से करते हैं, भोग इच्छा है, बोलना सकाम भाव से करके देखता है शास्त्रीय कर्म में भी दुख की आत्यंतिक निवृत्ति तो नहीं हो रहा, तब उसको निष्काम भाव से करता है। अब निष्काम भाव से करने के बाद तब उसका अंदर अंतकरण शुद्धि होती है, तब जागृत जिज्ञासा होती है, वास्तविक जीव क्या है, मैं कौन हूँ, जगत क्या है, जगदीश्वर कौन, इस प्रकार जिज्ञासा उत्पन्न। अंतकरण शुद्ध होने पर यज्ञ न दान न तपस तपस अनाशके ब्राह्मण विविधि शांति, उसके अंदर विविधिशा उत्पन्न हो गया, मतलब जानने की इच्छा उत्पन्न होती है, तब वो क्या होता है, वो कर्म को धीरे धीरे छोड़ करके वो श्रवण मनन निधिध्यासन में आता है। श्रवण मनन करते करते धीरे धीरे क्या होता है, देखिए ऊपर क्रम बोल क्या है, कर्मयोग हो गया, कर्मयोग होकर क्या हो जाएगा, ईश्वर शरणागति आ जाएगा, फिर उसको अन्न सांख्य योग मतलब मनन निधिध्यासन का योग होता आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, निधिध्यासन के माध्यम से अपने में अपने को देख लेगा। ये नहीं कि सीधा सीधा कर्म से हो जाएगा, क्रम तो यही रहेगा, क्रम तो यही रहेगा, और इसके बिना दूसरा रास्ता नहीं है ज्ञान प्राप्ति करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए आगे बोलते हैं इसके ऊपर, ध्यानेन, ठीक है ना, विजातीय प्रत्यय अनंतरितेन, ध्यान मतलब होगा मैं अभी एक सोचा, दूसरा चिंता दूसरा आ गया, तीसरा चिंता, ये इस प्रकार नहीं होना चाहिए। एक धारा मन में जिस विषय को अपने पकड़ा, उस विषय के ऊपर लंबा समय तक मन को रखने का अभ्यास करें, है ना। इसलिए विजातीय प्रत्यय अनंतरितेन सजातीय प्रत्यय प्रभायेन, सजातीय प्रत्यय की एक धारा चलती रहे, और वो कहाँ से आएगा आपको, श्रवण मनन फलभूतेन। ये देखिए
ये आप जो है कोई एक शास्त्रीय अवलंबन को लेकर ही करना पड़ेगा। इसलिए श्रवण मनन के फलभूत है। मनन करते करते जब आप एक जगह पे संशय विपर्य चला जाएगा ना, तब आपका मन अपने आप एक जगह पे स्थिर होगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे स्थिर हो रहा है। जब जागतिक वस्तु में मिथ्यात्व तो निश्चय हो जाएगा, मन जागतिक वस्तु का अवलंबन नहीं करेगा, मन तो कोई ना कोई अवलंबन नहीं कर लेगा, वो कहाँ का अवलंबन कर आपको पता ही नहीं लगेगा, कोई वृत्ति आपको समझ नहीं लगेगा, चुप हो जाता है। इसीलिए श्रवण मनन अनुकूल भूतेन आत्मचिंतन है ना, स्वरूप के चिंतन के द्वारा निधिध्यासन शब्द उदित ना, जिसको दूसरा शब्द निधिध्यासन भी बोलते हैं। आत्मनि मतलब शुद्ध अंतकरण बुद्धो पश्यन्ति, अपने को देखता है साक्षात पूर्वन्ति, पश्यन्ति मतलब हो गया, हो गया साक्षात्कार कैसा, आत्मानम, आत्मान मतलब प्रत्यक्ष चेतन, प्रत्यक्ष चेतन मतलब शुद्ध चेतन को, आत्मना, आत्मना मतलब ध्यान संस्कृति अंतकरणेन केचित उत्तम जोगिना, कुछ उत्तम जोगी। देखिए आत्मनि मतलब क्या हो जाएगा, अपने शुद्ध अंतकरण में, शुद्ध अंतकरण में अभी हमेशा प्रतिफलन हो रहा है, परंतु विषय वृत्ति के साथ मिलकर के जब देखते हैं तो प्रतिफलन उसके साथ मिल जाता है चैतन्य का, तो हम उसको उसके मैं सुखी दुखी रागी बंदी वो वस्तु के साथ, परंतु आप क्या चित्त शुद्ध हो गया तो उसके विषयात्मक कोई वृत्ति नहीं हो रहा, परंतु अभी चैतन्य का प्रतिफलन तो है, फलत शुद्ध दर्पण में इस पर प्रतिफल स्पष्ट समझ में आती है। बुद्ध आत्मनि आत्मान प्रतिफलित चेतन को देख करके शुद्ध चेतन उसका बोध में आत्मनि आत्मना आत्मान पश्यति, आत्मनि आत्मना आत्मान पश्यति है ना, मतलब कि इसीलिए प्रतिबिंबवाद की ही है। प्रतिबिंबवाद में क्या होता है कि प्रतिबिंब को देख करके बिंब को समझना है ना, प्रतिबिंब को देख करके बिंब को समझना, तो शुद्ध अंतकरण प्रतिबिंब इतना स्पष्ट होता है तो बिंब समझ में आ जाता है, बिंब समझ में आ जाता है। ये हो गया उत्तम अधिकारी के लिए। फर्स्ट मध्यमाना आत्मज्ञान साधन मान, मध्यम कैटेगरी के लिए आत्मज्ञान का साधन क्या होगा, बोलते अन्य मध्यमा सांख्य न योगे ना, इस बेचारी ने पूर्व जन्म में मनन निदित मनन श्रवण मनन कर रखा, बचपन से ही वैराग पर आत्मनिष्ठा रमन मानी जैसे अधिकार है, बचपन से आत्मनिष्ठा है ना, और कुछ को होगा कि अन्य मध्यमा सांख्य ने योगे ना निधिध्यासन पूर्व भाविना, निधिध्यासन से पहले सांख्य योग मतलब श्रवण और मनन विचार भी, जैसे बोलते हैं श्रवण मनन रूपे ना, क्या है वो नित्य अनित्य विवक आदि पूर्वक है ना, नित्य अनित्य विवक पूर्वक इमे गुणत्रय परिणाम, ये सब गुण की परिणाम है, अनात्मन ये सब अनात्मा है, सर्वे मिथ्या भूता वो सब जो है पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, तत् साक्षी भूत हो, परंतु इन सब का साक्षी रूप जो मैं हूँ नित्य विभु निर्विकार सत्य समस्त रज संबंध शून्य जड़ संबंध शून्य आत्मा अहम इति एवं वेदांत वाक्य जनित वेदांत विचार जन्येन चिंतनेन पश्यन्ति आत्मानं आत्मनि इति, वो तो ही रहेगा साक्षात्कार ऐसे ही होगा। मतलब एक पूर्व जन्म में उसका श्रवण मनन अच्छा रहने के कारण शुरू से उत्तम अधिकारी बस ध्यान निष्ठ होकर के बैठ जाता है, आत्मनिष्ठ होकर जो नहीं हुआ तो मध्यम अधिकारी क्या करता है कि वो श्रवण मनन के द्वारा बार बार विचार करते 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 अंतकरण जितना शुद्ध हो जाएगा आत्म सत्य अनुबोधिना न संकल्प रहते जाता, मतलब आत्मा ही सत्य है, जगत में कोई वस्तु सत्य नहीं है, अमनस्कमता आ जाती तो मन क्या होता है अमन हो जाता है, क्यों ग्राह्य भावे तदक्षण, इस प्रकार स्वप्न में देखा हुआ वस्तु को मन दोबारा ग्रहण नहीं करना चाहता जागृत काल में, इसी प्रकार आत्मनिष्ठ हो जाने कारण आत्मा के सत्यत्व बोध हो जाने कारण ये मिथ्या वस्तु को चिंतन करने का मन इच्छा नहीं करता, मन इच्छा नहीं करता तो मन अमन हो जाता है, ये मध्यम अधिकारी को बोल रहे हैं, उत्तम अधिकारी शुरू से हो जाता है। इसलिए आत्मना आत्मना पश्यन्ति कॉमन है ना, आत्मनि आत्मना आत्मान पश्यन्ति है ना, अपने में अपने द्वारा अपने को अनुभव करता है। इति ध्यान उत्पत्ति दारिण मतलब वो निधिध्यासन की प्रक्रिया को माध्यम बनाकर उत्पत्ति होता है। मंदाना उससे एक कैटेगरी जो नीचे है उसका क्या होता है, मंदाना ज्ञान साधन मह, वो कैसे कहाँ से शुरू करेगा, वो कर्मयोग से शुरू करेगा, कर्मयोग ध्यान रखना, कर्मयोग में आपका मनमर्जी कर्म से कर्मयोग नहीं होगा। कई व्यक्ति आजकल एनजीओ ऐसा खुला हुआ है जो सेवा समाज सेवा के लिए लगे हुए हैं,
परंतु वो जो है ठीक है, कुछ हद तक थोड़ा सा अंदर अपने में अच्छा लगता है, परंतु उससे अंतकरण पूर्ण शुद्ध नहीं होगा। करते हुए जब कर्म करते हैं वहां पर नौकरी चाकरी कर रहे हैं, तो उसे कर्मयोग में बदलने का कोशिश करते हैं, कर्म को कर्मयोग में बदलने का कोशिश करते हैं, लेकिन छोड़ नहीं पाते उसको। परिवार में जैसे भी है, मंदा नाम ज्ञान साधना अह मंद बुद्धि अधिकारी के लिए ज्ञान का साधन, कर्म योगे न ईश्वर अर्पण बुद्धिया क्रियमाणे न फल अभिसंधि राहित्य न तत्तद् वर्णाश्रम उचिते न वेद विहिते न कर्म कलापे न। देखिए च अपरे मंदा, ठीक है ना, ये यही है मुख्य कर्म जो क्या हो जाएगा, ईश्वर अर्पण बुद्धि के द्वारा क्रियमाणे न, जो कर्म के उसके द्वारा फल अभिसंधि रहे, कर्म क्या होना चाहिए कुछ फल अभिसंधि के बिना रहते न, तत्त्व अब क्या करना करना पड़ेगा, तत्त्व वर्णाश्रम उचित है, जिस वर्ण जिस आश्रम को उस वर्ण आश्रम के लिए जो कर्म शास्त्र ने विधान किया उस कर्म के द्वारा, और वो भी वेद विहित न कर्म कलापे न कर्म समूह के द्वारा, चौपरे मंदा पश्यन्ति आत्मानं आत्मनि, अपने में अपने को देखते हैं, वर्तन्ते मतलब अपने में अपने को देखते हुए विद्वत, एक क्रम ही है, अंत कर्म योग के द्वारा अंतकरण शुद्ध होगा, अंतकरण शुद्ध हो के आपको मतलब आत्मनिष्ठा आएगा, फिर गुरु के पास जाकर के श्रवण मनन करेगा, अंतकरण और शुद्ध होगा, फिर मैं क्या हूँ वो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा, वो कौन है, पश्यन्ति आत्मनि आत्मना आत्मन, भी कौन है, इसलिए शुद्ध श्रद्धा की देखिए सत्य शुद्धा है ना, सब अंतकरण शुद्धि के द्वारा सत्य शुद्धा श्रवण मनन ध्यान उत्पत्ति धारण, मतलब क्या होता है इसको माध्यम बना करके है ना, श्रवण मनन जो किसी, देखिए महापुरुषों का दुख ये होता है, ठाकुर जी चाहते तो माँ की कृपा से तो ज्ञान का नहीं, मैं नहीं कह सकता हूँ, परंतु जो प्रक्रिया है परम, इसीलिए तो ठाकुर आने के साथ साथ तुरंत जो है उसको एक्सेप्ट कर लिए, महाप्रभु ऐसा ही मतलब इस विषय में जो है कोई उनको शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन, जब तक हम शास्त्रीय मर्यादा को जब तक वो साक्षात शास्त्र स्वरूप है, परंतु जो मर्यादा उसको उल्लंघन नहीं करते हो, इसलिए श्रवण मनन ध्यान उत्पत्ति धारण अर्थ ये हो गया था उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी मंद अधिकारी, अब जो है मंदतर के लिए छोटे साहब वहाँ पे श्लोक तो हमने पढ़ लिया था, मंदतरा नाम ज्ञान साधनम आह, उससे भी जो थोड़ा अच्छा और घटिया उनके लिए ज्ञान साधन अन्येतु इति अन्येतु मंदतरा, यहाँ पे तू शब्द क्यों दिया, तू शब्द इसलिए दिया, तू शब्द पूर्वोक्त श्लोकोक्त त्रिविध अधिकारी वैलक्षण्य दोदनार्थ, यहाँ पे तू इसलिए दिया, पहले जो तीन अधिकारी के बारे में कथन किया उससे इसकी कुछ विलक्षणता है, सभी व्यक्ति जो कभी कभी हो सकता है कि शास्त्रों के साथ भी संबंध नहीं होता और ठीक ठीक गुरु भी नहीं नहीं मिलता, फिर भी किसी से सुन करके जान करके कहीं से कुछ ना कुछ प्रयास करता है, उस प्रकार का अधिकारी होता है, त्रिविध अधिकारी वैलक्षण्य द्योतनार्थ एषु उपायेषु अन्नतमेन अपि एवं यथक्तम आत्मानम अजानन्तो, इन जो उपाय उपाय दिखाया इस उपाय में से किसी भी उपाय से अपने को नहीं जानते हुए अन्यभ्य कारुणिकेभ्य आचार्येभ्य सूत्र, कोई कारुणिक आचार्य कोई गुरु से कोई व्यक्ति से सुन करके सूत्र इदम एवं चिंतय इति उक्ता, तुम इस प्रकार से इसको सोचो इति उक्ता उपासना देता, वो उपासना करता है चिंतन करते हैं, परंतु उसमें एक फैक्टर क्या है, श्रद्धा धारणा, श्रद्धा के साथ गुरु निर्दिष्ट वाक्यों को पालन करते हैं, संत चिंतन तो चिंतन करते हैं, ते भी वो लोग भी समय आने पर मृत्यु रूपी संसार सागर को पार कर जाएगा। देखो भगवान द्वादश अध्याय में भी भगवान बोला मई एवं मनो आदर्श मई बुद्धि निवेश निवेश शशि मई वो अतिवर्तम न संशय अथ चित्तम समाधा तो न शक्ति मई स्थिर अभ्यास योग धनंजय अभ्यास अभ्यास भी असमर्थ सी मत कर्म परम भाव मदर्थम अभी कर्मानी कुर्म सिद्ध अर्थ एतद समर्थ से यदि ये कर कुछ भी कर्म कर वो हमको अर्पण कर दो, इस प्रकार से भगवान सबके लिए रास्ता खोल रखा, सबके लिए रास्ता खोल रखे, पर हमारा दृष्टिकोण थोड़ा खोलना चाहिए, यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं ते अभी वो लोग भी अतिथरंती एवं वो लोग भी पार कर जाते हैं, किसको पार करते हैं मृत्यु मतलब मृत्यु रूपी संसार को, जब मृत्यु के चक्र के संसार बोलते हैं कैसे पार करते हैं श्रुति द्वारा है ना,
जैसा सुना तोसे गुरु तत्परे उसी को आधार पर टिका रहना। स्वयं विचार असमर्थ, अभी उसके अंदर स्वयं विचार करने की सामर्थ्य नहीं आया, जैसा सुना जैसा समझा दिया उसी को करता रहता भेजना। परंतु अभी श्रद्धा बना दया अत्यंत श्रद्धाशील होने के कारण गुरु उपदेश श्रोवण मात्र पर आएगा, बस गुरु ने जैसा कहा तत्पर गुरु करता रहता है। अभी तक तो अपना विचार सामर्थ्य नहीं है, वो लोग भी गुरु कृपा ईश्वर कृपा और अपनी निष्ठा के कारण इसी क्रम से अंतकरण शुद्ध होकर के, उसको हो सकता है इतना वेदादि पढ़ना ना पर अंतकरण शुद्ध होने के कारण गुरुमुख से छोटा बात को सुन करके ज्ञान मिलेगा, विचार करने का आवश्यकता भी नहीं हो सकता। इसलिए गुरु उपदेश श्रवण मात्र पर है, परंतु गुरुमुख से सुनना पड़ेगा मां को। ते अपि वो लोग भी अपि इति अपि शब्दापि ते अपि अपि शब्द से जे स्वयं विचार समर्था, जो लोग इस प्रकार से स्वयं विचार करने में समर्थ है, स्वयं सोच सकते हैं कर सकते हैं, ते मृत्यु मति तरंती वो लोग मृत्यु को पार कर जाएगा। इति किम वक्तव्यम कहीं दिखने हैं उसके बारे में तो कहना ही क्या है। इति अभिप्राय ये जो है इसकी अभिप्राय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे हर अधिकारी के लिए रास्ता खोल करके कैसे जो है इस एकत्व को अनुभव करके संसार से मुक्त हो सकते हैं वो दिखाए। आज यही पे रखेंगे कि आज 25 हो गया ना, 26 27 28 29 30 नौ सौ अच्छा अच्छा अभी रह गया ना दो दिन, दो दिन में कर लेंगे थोड़ा सा ठीक है। डेली नहीं होगा तो दो दिन में थोड़ा सा 5 और 4 करके विभाजन कर लेंगे, कर देंगे थोड़ा सा टाइम करा देंगे, दो दिन में इसको इसको पूरा कर लेंगे इसको जाने से पहले, क्योंकि इसके दिन तो नहीं होगा, किसके दिन शिवरात्रि के दिन नहीं होगा, इसलिए आज हो गया 15, 16 और 17 दो दिन का सुबह, तो मैं दो दिन का सुबह दो दिन में इसको पूरा करते हैं। शांति पहले शुरू करेंगे, 5-10 मिनट थोड़ा देर हो सकता है, यात्रा की अनुमति चाहिए बस तब पूरा हो जाएगा। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वंशीभूषितकरान् नवनीरताभरान् पीताम्बरादर्वबिम्बफलाधरोष्ठान् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखान् अरविन्द्रनेत्रान् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने। श्रीसच्चिदानन्द भगवान् की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की।